असलम वेलकम टू माई YouTube चैनल गेन नॉलेज एंड नेम इज़ तो आज से हम क्या करेंगे एक नया कोर्स कवर करेंगे जिसका नेम है मशीन लर्निंग दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स ठीक है आजकल के यूथ को मशीन लर्निंग का पता होना चाहिए जो आजकल का एरा चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग होती है ये आलमोस्ट सबको पता होना चाहिए सो बेसिक बेसिकुडेक्स इंट्रोडक्शन वट इज ए आई वट इज एम एल ए ए आई क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एम एल स्टैंड लर्निंग अच्छा इंट्रोडक्शन पोर्शन बच्चे देखेंगे तो कहेंगे हम मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में किधर से आ गया मैं बताती चलूँ कि मशीन लर्निंग को पढ़ने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता होना बहुत जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ही सब फील्ड है एम एल एम एल जो है एम एल इज अब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक like, कह लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पेरेंट है और एम जो है वो उसका चाइल्ड नोट है या आप ऐसे इसको कह सकते हैं ठीक है तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द मेथड ऑफ मेकिंग अ अ कंप्यूटर कंप्यूटर मेकिंग्रोल रोबोट और सॉफ्टवेयर लिंक इंटेलिजेंटली लाइक अ ह्यूमन माइंड ठीक है नीचे भी जो दिया हुआ है आप लोग पढ़ लेना इसमें क्या है कि हमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करने होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो के ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं लाइक like, फॉर एग्जाम्पल की ऐसी मशीन ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसा सिस्टम जो कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहा हो सही है जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ देती गेम्स गेम्स जो हम लोग गेम्स खेलते हैं अर्ली एस में जो पुराने सिस्टम जब स्टार्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तब जब गेम्स आई थी वो कैसी गेम्स थी उसमें टू के प्लेयर्स होते थे या थ्री फोर जितने भी प्लेयर्स हों उनके सबके हाथ में रिमोट होता था जिसके थ्रू वो अपना गेम को खेलते थे लाइक अगर मेरे साथ मैंने अपने किसी प्लेयर को खिलाना है तो मैंने अगर टू फाइटिंग गेम खेली तो मुझे अपने साथ दूसरा बंदा चाहिए जो कि बैठेगा जिसके साथ हाँ में रिमोट होगा केबल कनेक्ट करूंगी अपनी कंप्यूटर के साथ ने 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 हम फाइटिंग गेम खेलेंगे लेकिन जैसे जैसे ए आई एडवांस होता गया ठीक है ए आई सॉरी ए अर्ली ए आईज में नहीं ये ए आई इसकी पहले से बात हो रही है कि पहले ऐसी गेम जब ए आई इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें ये हुआ कि हमें सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं है गेम खेलने के लिए हमारे पास क्या आ जाते हैं हमारे पास कंप्यूटर आ जाते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं हमारे गेम खेल रहे होते हैं फाइटिंग गेम टेक एंड थ्री सब खेली होगी अब वो ए आई बेस्ड अब किसी को देख के लगेगा वो ए आई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुई है उसमें तो वो तो बिल्कुल ऐसे मतलब उसके फीचर्स वगैरह थ्री डी नहीं है टू डी है टीसी बहुत सारी चीजें आएंगी लेकिन हाँ वो एआई बेस्ड है क्यों क्योंकि वो ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंगली काम कर रही है जैसे कि अब अगर आप हाथ पे हाथ रख के अपने प्लेयर को खड़ा कर लो कि अब वो नहीं फाइट नहीं कर रहा तो कौन फाइट करता है कंप्यूटर फाइट करता है अगर आप लेफ्ट से मारोगे तो देन वो आपको राइट right से मारेगा देन तो आपकी टांग पकड़ेगा ना आपको उठाकर फेंक देगा तो ये क्या चीजें हैं ये मशीन जो आपका कंप्यूटर है जो गेम है वो क्या कर रहा है डिसीजन ले रहा है और किसके तरीके से डिसीजन ले रहा है हमारे ह्यूमन बेस्ड डिसीजन ले रहा है ठीक है उसकी तरह सोच रहा है कि अच्छा अगर ये वाली मूव आएगी तो मैंने इस तरह से मारना है अगर इधर से मूव आएगी तो मैंने ये वाली मूव लेनी है ठीक है तो ये एक्जाम्पल थी बिगेस्ट एग्जाम्पल थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉर्मल जो कि आजकल के स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ जाती है

आज के AI है है ठीक ठीक अब 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 हम हम देख लेते हैं हैं मशीन देखो पहले पहले हमने पढ़ा AI, अब हम पढ़ रहे हैं, machine learning. Example को को करने से पहले, machine learning को बताना समझाना जरूरी था क्यों देखो अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आपके पास एक कंप्यूटर है जिसको आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड बनाना है जो कि वो डिसीजंस ले सके हमें पता चल गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काम होता है अब उसको बनाना कैसे क्या प्रोसीजर होगा मतलब जो लेट सपोज कंप्यूटर हमारे साथ खेल रहा है ठीक है अब मैंने उसको मैंने मैं उसको मार रही हूँ राइट साइड से तो उसको कैसे पता चलेगा कि जब कोई मुझे राइट साइड से मारेगा तो मैंने लेफ्ट से उसको मारना है या लेट सपोज कोई मुझे हाथ से मारेगा तो मैंने उसको टांग पकड़ के उल्टा फेंक देना है लेट सपोज टेकन में टेकन थ्री में ऐसी कोई मूव्स होती हैं ठीक है या उसके पे टांग पे टांग मारनी है ये टीसी ये सारी मूव्स होती हैं तो ये चीजें क्या होती हैं ये आपको कौन बता रहा है मशीन लर्निंग आप उसकी ट्रेनिंग करवाते हो कि लेट सपोज अगर प्लेयर वन आपको इस साइड से मारेगा तो आपने उसकी इस साइड से मूव इसको साइड से मारना है या सपोज प्लेयर आपको ये वाली मूव चलता है ये वाला खड़ा हो जाता है तो आपने फायर बॉल फेंकनी है ये बहुत सारी चीजें टेकन एन में बहुत सारी एडवांस फीचर्स आए थे तो आपने ये करना है तो ये चीजें क्या है ये मशीन लर्निंग उसकी ट्रेनिंग करवाती है मशीन लर्निंग के थ्रू आप लेट सपोज जैसे आपको पता चल गया कि आपको टूकर टेबल याद करना है टूकर टेबल क्या हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आपको वो याद कैसे करना है तो वो आपको बताया जाएगा कि टू इंटू टूल टू फोर ठीक है आपने इसको बार 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 रिपीट करना है Then वो क्या प्रॉपर एक एल्गोरिदम होता है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है एक ऐसी चीज है स्टेप बाय स्टेप आप जो मशीन को सिखाते हो तो वो क्या करता है आपकी एआई बेस्ड प्रॉपर एक मशीन बन जाती है ठीक है मशीन लर्निंग के आपके पास अंदर जो होते हैं वो ट्रेनिंग होती है टेस्टिंग होती है ट्रेन जब हम करवाते हैं फिर टेस्टिंग होती है टेस्ट देखते हैं कि अच्छा हमारी मशीन ठीक काम कर रही है हम आगे देखेंगे फर्दर डिटेल में मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंच इज ब्रॉडली डिफाइन एज एपेबिलिटी मशीन टू इमिटे इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर ठीक है वो क्या करता है मशीन हम ऐसी कैपेबिलिटीज उसके अंदर डालते हैं देखने के लिए कि क्या आया वो मशीन हमारे ह्यूमन बिहेवियर की तरह काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है हमारी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल चल रही है Uh, क्या कहते हैं हमारी ए की और मशीन लर्निंग की वो है गूगल डायरेक्शन गूगल मैप अब आजकल हर बंदे के हाथ में गूगल मैप है हर बंदा उसी के अकॉर्डिंगली मैं तो गूगल मैप के अकॉर्डिंगली चलती हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई रास्ता नहीं पता तो मैं फॉरन से मैप ऑन कर लेती हूँ और एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो ए ने ने करवाया है गूगल मैप जो कि बेसिकली सैटेलाइट से कनेक्ट होता है अब उसमें क्या है अब देखो अब बंदा कहे कि नहीं इसमें ए कैसे है मतलब ए आई क्या काम कर रहा है इसमें कोई गेम शेम तो नहीं है नहीं देखो कैसे आप एक लोकेशन आप एक जगह खड़े हो और आप एक जगह की डेस्टिनेशन और लोकेशन ऐड करते हो ठीक है डेस्टिनेशन आप वहां पर ऐड करते हो देन विद इन सेकेंड वो आपको आपका बेस्ट रूट बताता है वो आपको फास्टेस्ट रूट आपकी लोकेशन तक आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो आपको बताता है गाइड करता है कि आप यहाँ इतने टाइम में आप पहुंच जाओगे ये आपका फास्टेस्ट रूट है यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं है ए टी सी

फोरन फोरन सेकंड्स के अंदर क्या कर रहा है आपको सोच के बता रहा है कि अच्छा ठीक है ये जो रूट है वो इस बंदे के लिए ये वाला रूट इफेक्ट होगा जहाँ पे एक खड़ा है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देन वो आपको डायरेक्शन भी बताता है कि अगर आप इस फॉर एक्जाम्पल आपने वॉक करते हुए जाना तो आपको डायरेक्शन या गाड़ी में तो आपको डायरेक्शन बताएगा असिस्ट करता है कि आप इधर मुड़ जाए अंदर इधर मुड़ जाए ठीक है देन आगे स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स मशीन लर्निंग के अंदर आपको रहा आप जो ए आई स्टेज में बता रहा हूँ थोड़ी सी इंग्लिश भी रीड कर देते हैं द डेवलपमेंट ऑफ टू डेज एप्लीकेशन स्टार्टेड विद यूजिंग द एज और ट्रेडिशनल स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स यू मस्ट हैव द यूज स्ट्रेट लाइन एंट्रोपोलेशन इन स्कूल टू प्रोडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू दे आर सेवल अदर सच स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स विच आर सक्सेसफुल अप्लाइड इन डेवलपिंग सो कॉल्ड ए आई प्रोग्राम सो वी से सो कॉल्ड बिकॉज द ए आई प्रोग्राम दैट वी अब इसकी उर्दू क्या है वो मैं समझा देती हूँ क्या कि पुराने जो अर्ली ए आई थे उसमें हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक्राफिकल फॉर्म में हमने अपना चार्ट बनाना है हमने देखना है उसमें लाइन ड्रॉ करनी देखना है कि हमारा ये जो एप है ये किधर कहाँ कि तक पहुंचेगा क्या इसका प्रोडिक्शन निकलेगी क्या इसका आंसर निकलेगा ए टी सी लेकिन जब अब उसको सो कॉल्ड ए आई प्रोग्राम कहा जाता था सो so कॉल्ड क्यों कहा जाता है क्योंकि वो पुराने तरीके थे स्टेटिस्टिकल नहीं होता अब हम ये चीजें नहीं यूज करते अब हम जो डीप लर्निंग यूज करते हैं और इस तरह की चीजें लर्निंग यूज करते हैं जो कि आजकल के एरा में यूज हो रही है सही है तो क्या है कि अब मजीद वो उन चीजों से आप छोटी छोटी प्रॉब्लम ठीक कर सकते थे ए की ठीक है जो आपके जो स्टेटिस्टिकल आप छोटा डाटा छोटे डाटा लेकर आप छोटे छोटा सिस्टम बना सकते थे बस लेकिन जब आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई जब आपने बड़े प्रोग्राम्स बनाने जब आपने बड़े सॉफ्टवेयर बड़े सिस्टम बनाए थे आप क्या करोगे तो आपके पास नए अर्ली ए आई इंट्रोड्यूस हुआ जिसके अंदर आपके पास स्टेटिस्टिकल टेक्निक ज्यादा बेहतर टेक्निक थी जिनको आप यूज करके ए आई को प्रोग्राम को रन कर सकते थे ठीक है फिर कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आ गई डिग्रेशन क्लासीफिकेशन क्लस्टरिंग प्रॉपेबिलिटी डिसीजन ट्रीज या हम आगे फर्दर डिटेल डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग क्या मशीन लर्निंग की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हमने ए का देखा ए की टाइप अंदर क्या आई सब फिल्ड क्या थी एम एल एम एम के आगे से हम देख रहे हैं कि सब फील्ड कौन सी है सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग री इनफोर्समेंट लर्निंग डीप लर्निंग डीप री एनफोर्समेंट लर्निंग ये सारी क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से समझाऊंगी बताऊंगी इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है तो अब हम देख लेते हैं सोफर हमने लेक्चर में कवर क्या किया हमने देखा कि हमारे पास इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है उसका बेसिक कंसेप्ट लिया देन हमने देखा कि अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है अब और पुराने दौर में देन हमने देखा मशीन लर्निंग क्या होती है इन दोनों की बेसिक एग्जाम्पल क्या है जो कि बोस्ट बहुत पॉपुलर है फिर हमने देखा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या थी पुराने दौर में और अब हम उन्हें क्यों नहीं यूज उस करें उसकी फर्दर टाइप से की तो आज के लेक्चर हमारा यहीं तक था और आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कैंड लाइक माई वीडियो माई चैनल थैंक यू सो मच